Assalamu alaikum dear students, hope you all are working very hard to make yourself better and brighter for your future. I know some of you has a problem in learning, but there is no need to worry about your future or study or anything else, because all the teachers are working with you to give you the purpose, destination and to pursue your dreams. Anyways dear students, today our lecture is about the website advertisement, in which we learn about the coral reef and the deeds which are done by the Green Force to protect the life underwater. So our question is, what is the coral reef, what is Green Force, and what are their roles in our environment? Coral reef kya hai, Green Force kya kar rahi hai, ye cheezein zyada ahem hai lesson ko padhne se pehle. कोरल रीफ का आपको पता होना चाहिए कि ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है. ये जानदारों के लिए ज़रूरी है, समंदरी जो जानदार हैं उनके लिए ज़रूरी है, और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं. इट मींस कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो समंदरी जो जानवर हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है. अच्छा, कोरल रीफ नॉट जस्ट समंदरी जानवरों के लिए ज़रूरी है, बल्कि कोरल रीफ डेविएट करते हैं, संभालते हैं समंदरी वेव्स को और साइक्लोन्स को, अर्थक्वेक्स को. ये भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इनको रोकने में. तो कोरल रीफ है क्या, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देख लें इन ममालिक को जहाँ पे ये कोरल रीफ का ज़्यादा किरदार है. अमेज़न, अफ्रीका, कैरेबियन, साउथ पैसिफिक, साउथ चाइना सी. इसमें मैं मुख्तसर बताऊँगा कि अमेज़न है क्या. जैसे कि आप सब जानते हो कि अमेज़न जंगल है, जहाँ पे 60% हिस्सा, आपको ये पता होना चाहिए कि अमेज़न का जो जंगल है 60% हिस्सा उसका ब्राज़ील में है, बाकी 40% हिस्सा तकरीबन 9 के करीब ममालिक में है, जिसमें पेरू आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, वेनेज़ुएला आ जाता है, इक्वाडोर आ जाता है, बोलीविया, फ्रांस वगैरह. अफ्रीका भी इसी तरीके से, वो भी काफ़ी वहाँ पे भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, कोरल रीफ बहुत ज़्यादा है, जिससे फ़ायदा होता है एनवायरनमेंट को, समंदरी एनवायरनमेंट को. और अफ्रीका आपको पता होना चाहिए कि दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, और अफ्रीका में तकरीबन 1.3 बिलियन पीपल रहते हैं. साउथ पैसिफिक ये भी, यहाँ पे भी काफ़ी अहम और ज़रूरी कोरल रीफ्स जानदार हैं, जो कि समंदरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. और इसी तरीके से कैरेबियन ये जो है, ये काफ़ी आप समझ लें कि कंफ्यूजिंग होता है बाज़ू का स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कैरेबियन सी और कैरेबियन में वो फ़र्क नहीं कर पा रहे होते. तो कैरेबियन ये तकरीबन 7,000 के करीब आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा रीजन का नाम है, और इसके साउथ वेस्ट, ईस्ट और आसपास जितने भी हैं ना, गोल्फ ऑफ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आसपास के इलाके पाए जाते हैं. इस तरीके से साउथ चाइना सी भी, वहाँ पे भी कोरल रीफ बड़ी अपना एक किरदार अदा कर रही है इन्वायरमेंट में. तो कोरल रीफ है क्या, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे. कोरल रीफ है क्या, कोरल रीफ्स आर वाइडली नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. कोरल रीफ को एक बड़े पैमाने पर रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं. अब रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी से क्या मुराद है,
रेन फॉरेस्ट से क्या मुराद है, पहले ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए। रेन फॉरेस्ट से मुराद वो इलाका जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, और जब बारिशें जिस इलाके में ज़्यादा होती हैं तो बाज़ औक़ात ज़रख़ेज़ भी इलाका वो ज़्यादा होता है। अब कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोरल रीफ की वजह से सी समंदर में जितनी भी मखलूकात हैं उनको वो हर चीज़ मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मछलियों को ऑक्सीजन मिल रही है, सबसे बड़ी जो सिंबल है हमारे लिए, तो ये मुख्तलिफ अपना अहम किरदार अदा कर रही होती हैं समंदर में। उसके बाद इसका हम दूसरे लफ्ज़ों में रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी का ये भी हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट का ये मतलब है रिचनेस ऑफ लाइफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रिचनेस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। आगे हमें क्या कहते हैं, बिकॉज दे आर होम टू सच मैसिव डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, क्योंकि ये कोरल रीफ एक ऐसा घर है किसके लिए, स्पीशीज़ के लिए। वहाँ पे जो समंदरी जो किस्में रह रही हैं, मुख्तलिफ जानदारों की किस्में रह रही हैं, उनके लिए घर है, उनके लिए ख़ास इन्वायरमेंट है जिसमें वो रह कर अपनी ज़िंदगी को परसू कर रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं। बट नॉट ऑल पीपल अप्रिशिएट द क्रूशल, लेकिन सारे लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते। आज के लोगों को कोरल रीफ का नहीं पता, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा कि कोरल रीफ है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें क्या बता रहा है, हमें हमें कौन सा लेसन दे रहा है कोरल रीफ के मुतालिक। कहते हैं बट नॉट ऑल द पीपल अप्रिशिएट द क्रूशल, कि सारे लोग इस ख़ास चीज़ अहम जो सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है कोरल रीफ के मुतालिक जानना, उसको नहीं समझ पा रहे होते कि ये क्या है। एंड क्रूशल रोल, उनका अहम किरदार, कोरल रीफ का अहम किरदार के मुतालिक उनको नहीं पता, दैट कोरल रीफ्स प्ले ऑन वेरियस लेवल्स इन सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ अलोंग कोरल कोस्ट लाइन्स एंड एज ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर मेडिसिनल डिस्कवरीज येट टू बी मेड। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन किए हुए हैं, वो भी आपने साथ साथ अप्रिशिएट, क्रूशल, अहम, अप्रिशिएट, जो तारीफ़ किया जा सके उस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने क्या पढ़ रहे हैं कि सारे लोगों को नहीं पता कि कोरल रीफ माहौल में कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ मराहिल में, ऑन वेरियस लेवल्स मुख्तलिफ मराहिल में, और किस तरह इंसानी ज़िंदगी को सस्टेन कर रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी को आगे एनर्जी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और कहाँ पे बढ़ा रहे हैं, अलोंग कोरल कोस्ट लाइन्स। अब दूसरी बात अहम बता दूँ कि अगर कोरल रीफ ना होती तो जितने भी कोस्ट लाइन्स होती ये समंदर के अंडर चली जाती। ठीक है, समंदर कोस्ट लाइन्स को अपने अंडर ले लेता अगर कोरल रीफ ना होती। इट मीन्स कि कोरल रीफ ने कोस्ट लाइन्स को भी बरकरार रखा हुआ है, अपने अंडर रखा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है, एंड एज ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर मेडिसिन डिस्कवरीज। और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि कोरल रीफ एक अद्वियात को दरियाफ्त करने का भी जरिया है। ये सारे काम अभी होने हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये लाजमी, उन लोगों को पता होना चाहिए कोरल रीफ क्या किरदार अदा करती है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, विदाउट द कोरल रीफ, द फैक्ट इज़ दैट विदाउट द कोरल रीफ टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल कोस्ट लाइन्स, मैनी आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज वुड सिंपली डिसअपियर बीनीथ द ओशियन वेव्स। यहाँ पे वो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें क्या कह रहा है कि अगर अगर कोरल रीफ ना होती तो समंदरी कोस्ट लाइन्स डिसअपियर हो जाती, ख़त्म हो जाती, और हमें पता भी ना चलता। ठीक है, तो ये कोरल रीफ की एडवांटेज है। उसके बाद
Add to this the role they play as a nursery ground for young fish and as an abundant food source for coastal communities, and you begin to realize that coral reefs are more than just a pretty underwater garden for divers to enjoy. अब हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा कोरल रीफ, एक ऐसा घर है, एक ऐसी नर्सरी है फिशेस के लिए, और उन फिशेस के लिए बहुत बहुतात में, तादाद में, रिचनेस में सफिशेंट फूड है. अब्यूडेंट मीन्स सफिशेंट, कि उन यंग फिशेस के लिए जो कि कोरल रीफ में रह रहे हैं उनके लिए फूड की तादाद, फूड के सोर्स बहुत ज़्यादा है. और जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे जो साहली इलाकों पे रहने वाले लोग हैं, उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो फिशेस हैं ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, और ये जो कोरल रीफ है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती. कोरल रीफ को आप देखें ना, आप नेशनल ज्योग्राफिक पर देखें, वीडियो देखें कोरल रीफ की, तो बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा. तो वो यहाँ पे हमें ये कहता है कि वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, एक गार्डन नहीं है डाइवर्स के लिए जो कि तैर के जा रहे होते हैं और कोरल रीफ को यहाँ पे देख रहे होते हैं, उसकी खूबसूरती देख रहे होते हैं. वो कहते हैं इसके लिए नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है यहाँ पे, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमने कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको मजबूत करना है. क्योंकि अगर हमने कोरल रीफ को मजबूत किया, उसको प्रोटेक्ट किया, तो हमारे कोस्ट लाइन जो है ना वो मजबूत रहेंगे. ठीक है, कोस्ट लाइन्स हमारी क्या रहेंगी, मजबूत रहेंगी और डिसअपेयर नहीं होगा. ठीक है, हमारी कोस्ट लाइन्स डिसअपेयर्स नहीं होंगी. तो ये था लेक्चर स्टूडेंट्स आज के लिए. आपने जो मुश्किल मीनिंग्स हैं उनको अंडरलाइन यहाँ पे कर लेना है और एक कॉपी पे लिख लेना है. नेक्स्ट लेक्चर में हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है.